हेलो टू टेक एंड टारगेट चैनल मेरा नाम सोमिक है मैं इसी डिपार्टमेंट से हूँ तो मेरा जो टी सी एस निंजा का इंटरव्यू था तो 21 तारीख को 10 बजे हुआ था ठीक है तो 10 बजे स्टार्ट हो गया मेरा पास दो पैनलिस्ट था एक एच आर वाला और एक टी आर वाला तो उन लोगों ने मेरे को पहले ही बोल दिया कि हम लोग दोनों सीनियर जैसे हैं इसको ज़्यादा से मतलब इस तरह से मत लो कि टेंशन मत लो फिर उन लोगों ने पूछा कि तुम नर्वस हो या कुछ तो मैं बोला कि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था मतलब बुखार था एंड मेरे को खांसी हो रहा था तो एंड आई टेस्टेड फॉर कोविड दैट केम नेगेटिव लिया आई सेट देम तो उन लोगों ने बोला अच्छा टेक केयर टेक केयर हम मेरा भी हुआ था मतलब जो इंटरव्यर था तो वो बोला कि मेरा भी हुआ था तो उसके बाद उसने उतना एक्सपीरियंस शेयर किया दिन वो पूछा कौन से कॉलेज से हो तो मैंने अपना कॉलेज का नाम बताया उसके बाद उन लोगों ने मेरे को मेरे डिपार्टमेंट पूछा मैं बोला देन दे आस्क मी अबाउट माई हॉबीज़ तो मैं बोला जो जो था हॉबीज़ तो मेरा हॉबीज़ बहुत इंटरेस्टिंग था तो मैं बोला स्विमिंग कुकिंग वॉचिंग एनीमे एंड ऑल दस इ स्टाफ कुछ इस ऐसा नहीं था जो टेक्निकल वाला था तो उन लोगों ने मेरे से फिर पूछा मतलब रिसेंट क्या कुक की हो तो मैं बोला कि व्हाइट सॉस पास्ता तो बोलो यू आर इन इटालियन कुकिंग मैं बोला सर मुझे बिरयानी भी आता है तो उन लोगों ने बोला अच्छा अच्छा ठीक है देन दे आस्ट मी अबाउट माई फेवरेट सब्जेक्ट्स मैं बोला दैट सी एंड एनोलॉग कम्युनिकेशन देन उसके बाद उन लोगों ने मुझे सी और सी से बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा लाइक व्हाट इज पॉइंटर व्हाट इज डैंगलिंग पॉइंटर देन व्हाट इज भोला टाइल की वर्ड वो मेरे को नहीं आता था पर मुझे आता था कांस्टेंट की सब और कांस्टेंट तो मैं बोला सर मुझे कांस्टेंट आता तो बोला हाँ कांस्टेंट बताओ तो वो मैं बताया उसके बाद उन लोगों ने सी से और कुछ बेसिक बेसिक पूछा देन उसके बाद उन लोगों लोग ने पूछा एनालॉग uh, कम्युनिकेशन आता है तो डिजिटल की वो पसंद नहीं है तो मैं बोला कि डिजिटल सिक्स सेम में था हम लोगों का और उस वक्त तो ये था ना आइसोलेशन वाला स्टेट मतलब लॉकडाउन था तो हम लोग ठीक से नहीं पड़े तो बोला अच्छा अच्छा ठीक है तो देन उन लोगों ने बोला ठीक है डिजिट मैं बोला डिजिटल आता है मुझे ऐसा नहीं कि नहीं आता बट एनालॉग मेरा फेवरेट है तो उन लोगों ने एनलॉग में पूछा क्या क्या किया लैब में क्या क्या किया तो आई डिस्क्राइब तो उसके बाद पूछा कौन सा पार्ट पढ़े हो तो मैं बोला डी एस बी एस सी एस एस बी एस सी जो जो था तो उन लोगों ने उधर से मुझे पूछा वॉट इज एम मतलब क्या होता है जस्ट बेसिक उसके बाद लैब में क्या किया वो सब पूछे बोल दिया अच्छे तरीके से देन पूछा ए पीरियडिक सिग्नल ए पीरियोडिक सिग्नल क्या है एक एग्ज़ाम्पल दो देन एफ दे एम का एक एग्ज़ाम्पल देकर बताओ ए एम का एग्जाम्पल दो तो एम का तो नहीं आता मुझे एफ एम का आया तो वो बता दिया अच्छे से तो बोला अच्छा ठीक है ठीक है देन उन लोगों ने फिर पूछा घर में कौन कौन है मैं बताया उसके बाद पूछा क्या करते हैं वो लोग वो भी बताया नेक्स्ट तो उन लोगों ने नेक्स्ट दूसरे वाला इंटरव्यूअर के पास भेज दिया तो वो फिर से मेरे को पूछा क्या क्या किए वो लॉकडाउन में क्या क्या किए तो मैं बोला मैं पियानो बजाता हूँ मुझे कोरियन गाना जापनीज गाना स्पेनिश गाना सुनना पसंद है तो उन लोगों ने मेरे को तो जैपनीज से क्वेश्चन पूछा मतलब व्हाट इज आरिगो मीनिंग इन जैपनीज तो मैं बोल दिया थैंक यू सो मच अरिगा तो को जाए मैं मीनिंग पूछा तो मैं बोल दिया थैंक यू सो मच देन उसके बाद पूछा हाउ टू ग्रीट इन जैपनीज मैं बोला मतलब मेरा जो हॉबी से था ना मतलब उसके बाद और एक पूछा था मैं बोला था लॉकडाउन में कहे बोले मैं डॉक्यूमेंट्री देखा वो ब्लैक पिंक का तो बोला व्हाट इज ब्लैक पिंक क्या है तो वो के पॉप का एक गर्ल ग्रुप बैंड है तो उसके बारे में पूछा तो उसके बारे में बोला मतलब मेरा हॉबी से उन लोगों ने बहुत कुछ पूछा एंड तो उसके बाद पूछा तुम ई से हो तो आई क्यों तो आपका जो चैनल था उसमें तो जो बताए थे आप अच्छे तरह से तो वो मैं फॉलो किया था वो बताया बोले ठीक है दिन तुम इसमें आ गए तो कैसे करोगे तो बोला कि मेरे तो मैं फ्री टाइम जब मिलेगा मैं अपनी कोर के बारे में तो जान ही पाऊँगा और हो जाएगा मतलब वो तो बता दिया जो जिस तरह से बताए थे उस चैनल के दिन उन लोगों ने पूछा तुम रिलोकेट करने के लिए तैयार हो बोला ठीक हाँ तो बोला अगर घर वाले नहीं माने तो मैं बोला घर वाले मेरे को फुल अथॉरिटी दे दी है मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ दिन उन लोगों ने मेरे को ये भी पूछा मतलब आ, नाइट शिफ्ट के लिए तैयार हूँ बोला हाँ तो और एक बार सी से और एक बेसिक क्वेश्चन पूछा था मतलब इंट आई कल्स टू फाइव दिन आई प्लस प्लस आई में क्या प्रिंट होगा और आई प्लस प्लस में तो वो बता दिया वो तो हो गया मैंने पूछा और ये वाला इंटरव्यूअर पूछा एनी क्वेश्चन तो मैं दो क्वेश्चन पूछा उन लोगों से कि मतलब मैं अगर टी सी एस को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या सीखना चाहिए तो वो लोगों ने एक्सप्लेन किया और एक क्वेश्चन उनको ही पूछा कि व्हाट विल बी माय मतलब उधर का वर्क एक्सपीरियंस कैसा होगा तो उन लोगों ने बताया हम लोग बहुत अच्छे से फ्रेंडली लोग हैं तो मतलब फ्रेशस को बहुत अच्छे से मिलेगा मौका फिर जो पहले मेरा पूछ रहा था उनके पास गया तो फिर से वो कुछ बेसिक बेसिक एनालॉग का क्वेश्चन पूछे और सी का जस्ट एक दो अच्छे क्वेश्चन पूछे और मैं मैं प्रोजेक्ट के बारे में दो तीन बार मेंशन किया पहले वो उससे एक बार भी नहीं पूछा तो मैं फिर से बताया उनको मैं जी प्रोजेक्ट किया हूँ पाइथन में बैंकिंग प्रोजेक्ट एंड सिस्टम इन पाइथन तो बोला तो बोलो अपने प्रोजेक्ट के बारे में तो मैं उनको जस्ट बेसिक में बता दिया कि ये सब किया हूँ तो उन लोगों ने ठीक है अच्छा मतलब हो गया देन उन लोगों ने मेरे को पाइथन से कुछ क्वेश्चन नहीं किया डी एस से कुछ क्वेश्चन नहीं किया उप से भी नहीं किया मतलब मैं मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था सी और एन एल एस ही बस क्वेश्चन करके पूछा और फिर फिर उन्होंने बोला तो तुम्हें टी सी एस के बारे में क्या क्या पता है तो मैं बोला टी सी एस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड तो बोला वाई यू शुड वॉन्ट टू जॉइन टी तो आपके चैनल में जैसे बोला गया था सी टी एस हो टी सी एस हो या कुछ भी कंपनी हो तो उन लोगों का तारीफ करना है तो मैं वो बोला दिन वो पूछा टी सी का मेन क्लाइंट कौन है तो मैं बताया एस बी आई जो था बोला अच्छा ठीक है मतलब और कोई नहीं है मतलब सर मुझे तो बस ये दोनों ही पता है तो बोला ठीक है आ, मेरे को कोडिंग से कुछ नहीं पूछा वो लोगों ने और तो और एक बात मतलब उन लोगों ने मतलब ऐसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया जिससे मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो या कुछ मतलब एक क्वेश्चन मेरे को बस आया नहीं था तो हम बोल दिए जैसे वो भोला टाइल की वर्ड क्या होता है तो हम उनको बता दिया वो नहीं होता और एक क्वेश्चन पूछा था सी से मतलब व्हाट इज रजिस्टर क्लास तो हम बता दिए कौन कौन सा है तो एक स्टान बोले थे वो एक बार वो खुद रिपीट किया पर कुछ पूछा नहीं मतलब क्या रहता है, है वो मेरा इस तरह से ऐसा नहीं हुआ कि एक बार में एक आदमी ने पूरा टीआर का पूछा पूरा एच का पूछा दोनों ही सफल कर करके बार 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 करके पूछ रहे थे मेरा तो लास्ट में फिर से बताया कि वो लोग कि अब आधा वो और, और एक चीज़ हुआ तो पहले मेरा आधार कार्ड के साथ उन लोगों ने फोटो खींचा था एक हो गया वो फिर रात को और एक बार मेरे को कॉल किया था उन लोगों ने कि तुम्हारा आधार कार्ड के साथ और एक बार फोटो लेना है अब क्या तुम फ्री हो तो हम बोले हाँ सर फ्री है हम फिर उन लोग तो लोगों ने बोला मेरा फ़ोटो लिया बोला सॉरी फॉर द इनकनवीनियंस सोम थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन इस तरह से रात में आया था तो हो गया और लास्ट में बस और एक बोला था और हाँ तुम बोले तुम लॉकडाउन में कैसे आपको खुद को आप स्क्रील किए तो हम पहले बस नॉर्मल जैसे बोल रहे थे कि मैं ये सब किया मतलब कैलिस्थनिक ये सब बोला जो रिलेवेंट नहीं है उसके बाद बोला हाँ मैं मेरा कोर और सी का जो है तो उन को स्ट्रेंथन किया मैं किया था बहुत कुछ पर वो सब नहीं बोला क्योंकि मैं उस सब में कॉन्फिडेंट नहीं था वो तो उधर से क्वेश्चन पूछ ले था मेरे को तो दिक्कत हो जाता तो मैं नहीं बताया ये वाला तो ठीक है बोल दिया और एनी अदर क्वेश्चन तो बोले नो सर आई हैव टू क्वेश्चन आई द प्रीवियस आई उस टाइम मेरे को बस दो क्वेश्चन ही था तो वही बोल दिया सर क्योंकि मैं उस वक्त मेरे को तो दो ही था तो पूछ लिया अभी तो नहीं है बोल ठीक है टेक केयर थैंक यू मैं सर को ग्रीट किया थैंक यू हो गया इंटरव्यू